ये अमल करने से पहले आपने कुछ काली मिर्च अपने पास रख लेनी है, जिनकी तादाद 3 या 5 होनी चाहिए। ठीक है, 3 या 5 गिनकर, जैसे ये 3 काली मिर्च हैं, मैंने आपको बता दी ये काली मिर्च हैं, टूटी ना हो, साबत हो, जैसे ये साबत हैं, 3 काली मिर्च आप अपने पास रख लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक तो ये सचेड़े वाले दिन आपने अमल शुरू करना है। सचेड़े वाले दिन अपने मकामी वक़्त, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे इस वक्त 12:05, 12 बजे से लेकर 12:15 बजे तक जवाल का टाइम होता है, तो आपने जवाल के टाइम में शुरू करना है इस अमल को, ताकि जिस इंसान के लिए कर रहे हैं उस पर भी जवाल गिरे। ठीक है, वो भी जवाल पजीर हो जाए, अल्लाह ताला उसको भी अपनी पकड़ में ले, क्योंकि अल्लाह जहाँ पे गफूर रहीम है वहाँ पे जब्बार है। तो आपने अमल बहुत आसान है जो करना है, सिर्फ 3 या 5 काली मिर्चें अपने पास रखनी हैं करने से पहले। ठीक है, तो अमल मैं बता देता हूँ, टाइम मैंने बता दिया है, बाकी इसकी तफसील गौर से सुनिएगा ताकि पूछने की ज़रूरत ना पड़े। या जब्बारु, ठीक है, या जब्बारु, जबर कर, यानी कि जो पढ़ेगा वो अल्लाह से कहेगा या जब्बारु जबर कर, फलां बिन फलां। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं जी फलां बिन फलां की जगह पे क्या आएगा, ये जो पहला फलां है यहाँ पे जो दुश्मन होगा उसका नाम बोलना है, बिन उसके आगे माँ का नाम, अगर लड़की होगी तो फलां की जगह नाम, बिन की जगह बिनते, फलां की जगह उसकी माँ का नाम। ठीक है, बिन की जगह बिनते आ जाएगा। ठीक है, अगर लड़की होगी, अगर मर्द के लिए पढ़ेंगे तो फलां बिन फलां की जगह नाम, बिन माँ का नाम, फलां बिन फलां को जगह नाम लेकर को बीमार कर। बस ये आपने पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पढ़ना कितनी बार है, 315 बार, 315 बार दुरूशरीफ नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे। जब बैठ जाते हैं, बैठ जाएं, ये काली मिर्चें 3 या 5 अपने पास रख लें, अपने आगे रख लें, अपने राइट पे रख लें, लेफ्ट पे रख लें, लेकिन आपके सामने होनी चाहिए, और 315 बार 315 टाइम पढ़ना है, या जब्बारु जबर कर, फलां बिन फलां को बीमार कर। ठीक है, 315 बार करके अगर उसकी तस्वीर है तो पास रख लें, अगर तस्वीर नहीं है तो तसव्वुर कर लें, अगर तसव्वुर में वो शख्स की तस्वीर नहीं बनती और तस्वीर पास है तो फिर पास रखनी चाहिए आपको, लेकिन अगर तसव्वुर में तस्वीर बन जाए तो फिर कोई मसला नहीं। तो आपने तसव्वुर करके या तस्वीर सामने रख कर 315 बार पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारनी है, काली मिर्चों पे फूंक मारनी है, और इन मिर्चों को जला देना है। जब जलाएंगे, जलाएं चाहे किचन में जला दें, बाहर जला दें, 3 या 5 काली मिर्च, इनकी स्मेल भी नहीं होगी। तकरीबन आधा घंटा जलाएं ताकि ये जल जाएं, राख बन जाए इनकी, तो राख जिधर मर्जी फेंक दें कोई मसला नहीं है। जब आग पे रखना तब भी यही नियत करनी है कि या अल्लाह ये जो बंदा है या बंदी है, बिन लगा कर माँ का नाम लें, इसको अब बीमार कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, इसने मेरा घर ख़राब कर दिया है, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मेरा माल खा लिया है, मेरे माल को तबाह कर दिया है, मेरी इज्जत पर आप आन पहुंचा है, जो भी जिस तरह भी रोकर आप दुआ करें अल्लाह के सामने। तो ये अमल करना है आपने पूरे 7 दिन, वरना भी एक किसी भी सचड़े को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया कि बंदा आपके दर पर, आपको लगे कि 1-2 दिन में अगर इसका कुछ ना हुआ तो ये मुझे मार देगा, तो फिर किसी भी दिन ये शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब टाइम नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो हफ्ते वाले दिन मकामी वक़्त जो आपका हो, क्योंकि यूके में, अमेरिका में, कनाडा में इनकी टाइमिंग डिफरेंट है हमसे, बहुत ज़्यादा इनका जो जवाल का टाइम है वो डिफरेंट है हमसे। पाकिस्तान का टाइम बताता हूँ कि जैसे आजकल 12:00 से 12:15 के दरमियान है, 12:05 होते हैं मैक्सिमम, तो आप
जवाल के टाइम पे शुरू कर लें, 2-3 मिनट पहले शुरू कर लें, ताकि जवाल के टाइम पे जाके मुकम्मल हो, या जवार के टाइम पे आप पढ़ रहे हो, बस ये जहन में रखना है, ये टाइमिंग ज़रूर रखनी है आपने। जो मेरे भाई बहन रात में जागते हैं, दिन को ड्यूटी करते हैं, दिन को सोते हैं, रात में जाग रहे होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं, मजबूरी है, रात में भी एक जवाल का टाइम आता है, तो वो अपने मकामी वक्त के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन अगर 100% रिज़ल्ट चाहिए, और चाहिए कि ये 7 दिन क्या एक दिन में ही सारा कुछ हो जाए, तो फिर दिन में करें, गर्मियाँ हैं वैसे भी आजकल, दिन के टाइम करें, और अल्लाह की रहमत पर यकीन रख कर, और ना हक नहीं करना, ये अमल कर लें इंशाल्लाह, दुश्मन जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, शातर क्यों ना हो, जैसा भी क्यों ना हो, दूर हो पास हो, इंशाल्लाह बिस्तर पे गिर जाएगा, और उसकी बीमारी का किसी को पता नहीं चलेगा।